सुबह जो है निकलना पड़ रहा है इकिया की तरफ, थोड़ा सा काम है, एक दो चीज़ें रिटर्न करनी थी। लेकिन कल सारी रात स्नो होती रही, हल्की हल्की होती रही, लेकिन उसके साथ हवा बहुत तेज़ थी। तो अब हालत ये है कि गाड़ी पे जो है बिल्कुल ये सूरत हाल है, बिल्कुल जमी हुई है। तो इस पे ज़रा टाइम लगना है। लॉ ये है कि गाड़ी की छत पे और शीशों पे बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी ये हो सकता है कि आपकी या तो विजन मुतासिर हो सकती है, मतलब गाड़ी से बाहर देख नहीं सकते आप प्रॉपरली, या फिर यह है कि कभी अगर छत पे बर्फ़ रहेगी, स्नो रहेगी, तो अगर ब्रेक लगानी पड़ जाती है तो वो फौरन जो है ना के विंडस्क्रीन पे आ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लॉकेज होगी, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्रिटिकल सिचुएशन में। तो ये लॉ है, इसे पहले अब साफ़ करना है। 10-15 मिनट से लगेंगे साफ़ करते, फिर उसके बाद चला सकते हैं। तो फाइनली जी गाड़ी इस काबिल हो गई है कि इसे ड्राइव किया जा सके, और सेफ्टी के हिसाब से ठीक है ये। बाकी थोड़ी बहुत ही बर्फ़ जो चिपकी हुई है, तो ये 5 मिनट की ड्राइविंग के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। तो इकिया पहुंच गए हैं। होता ऐसे है समटाइम्स कि आप सामान ले लेते हैं, शुरू शुरू में आपको लगता है कि ये भी ज़रूरत की चीज़ होगी, ये भी ज़रूरत की चीज़ होगी, लेकिन जब सेटिंग करते हैं तो पता चलता है नहीं यार ये वाफिर है। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी वो रिटर्न की हैं, ऑलमोस्ट 2900 क्रोन का सामान था छोटा छोटा करके। और अब जो है उसके बदले मुझे जो ज़रूरत है, एक टेबल की ज़रूरत है। ज़ाहिर है मैं कभी कभार लाइव सेशन करता रहता हूँ और कुछ स्टडी वगैरह के लिए, और उसके साथ चेयर चाहिए, तो वो देखने आया हुआ। तो ये जी गेमिंग स्टूल है, गेमिंग चेयर, ये पसंद किया, ऑफ़र पर लगी हुई है 995 की। और ये जो है टेबल, जो है स्टडी टेबल, ये वाली लिए, ये भी ऑफ़र पर लगी हुई है 995 की। तो चले ये जाके लागर से उठाते हैं। तो अब यह है कि 2 महीने हो गए थे मुझे बाल कटवाए हुए, जुल्फ़ें बहुत बढ़ गई हैं। तो अब जो है लास्ट मैंने कराची से बाल कटवाए थे जब शादी पे गया हुआ था, तो अब बाल कटवाने हैं और ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ से कटवाया जाए कोई सस्ता नाई। तो यहाँ पे एक नाई है तो सही, पूछते हैं उससे। चले तो जनाब ये एक फेज़ आता है बर्गन साइड पर ज़्यादातर, कि बर्फ़बारी के बाद हल्की सी बारिश हो जाए और टेम्परेचर कम हो जाए तो उसमें ये सूरत हाल हो जाती है। ये अभी ज़रा कम है, उसमें पत्थर डाल के गए हैं ताकि स्लिपरी ना हो। तो इस चीज़ को गलत बोला जाता है, गलत का मतलब फिसलन, और ये इतनी शदीद होती है कि ओस्लो साइड पे अभी वैसे सर्दी है, -3-4 है टेम्परेचर इस वक्त, इसलिए इतना अहतमाम है। तो ओस्लो साइड पे लास्ट टाइम जब मैं रहा था, लगे वक्त कहते हैं जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स का, तो वहाँ पे मेजॉरिटी केसेस आते हैं टांग टूटने के, हाथ टूटने को, ऐसे कि पैदल चलते जा रहे हैं गलत से फिसले हैं, नीचे गिर गए हैं, टांग टूट गई है, घुटना टूट गया, हाथ टूट गया। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत ही फोर्सिक्ती होके, बहुत ही केयरफुल होके हमें रहना पड़ता है। और इसका जो है एक चीज़ मिलती है, ब्रूदर उसे बोलते हैं, कि जूतों के नीचे छोटे छोटे स्टड होते हैं, जिसकी वजह से ये है कि बर्फ़ पे और स्पेशली ग्लत पे चलना आसान हो जाता है, फिसलन नहीं होती। तो ये सारा काम है और देखते हैं कि इसे कैसे पार किया जाए।